हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हरीश कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। RSCIIT के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अपने कंप्यूटर को जाने। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के बारे में जानना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने कंप्यूटर को जाने की ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जो किसी को ऑपरेट करता है। तो किसको ऑपरेट करवाना है, अपने कंप्यूटर को। कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात करते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, CPU होता है, मदरबोर्ड है, कंप्यूटर की मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे क्या हार्डवेयर हैं। तो इनको चलाने के लिए, इनको रन करने के लिए, इनको ऑपरेट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और वो सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है, मान लीजिए कि हार्डवेयर, मैं इसको एच से इंडिकेट करता हूँ, हार्डवेयर। इसके बाद में दूसरी जो इसके ऊपर लेयर आती है, एक परत आती है, यानी कि इस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, जो हार्डवेयर यानी कि सिस्टम होता है, और यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमें होती है। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जब लोड हो जाता है हार्डवेयर के ऊपर, जैसे कि मोबाइल के अंदर आपने नाम सुना होगा एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड क्या चीज़ है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की स्क्रीन को चलाता है, उसकी आवाज़ के लिए उसकी मेमोरी को मैनेज करता है, ये सब काम करता है। अब जब इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो लेयर आती है वो आती है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए कि आप मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो जो ऐप क्या होते हैं, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर जब नया परचेज करके लेके आते हैं, तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर आएंगे और कुछ सॉफ्टवेयर हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो जो इसमें सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी और प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हार्डवेयर को चलाने के लिए, हार्डवेयर को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट सारी हैं, एक के ऊपर, अगर एक के बिना दूसरा वर्क नहीं कर सकता, तो यूज़र को क्या चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर बात करते हैं यूज़र, ये यूज़र है यानी कि ये हम हैं, हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूज़र उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता क्या चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब लोड होगा, जब सिस्टम को चलाने वाला उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, और ये इसको किसको रन करता है, हार्डवेयर को। अब देखिए, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल होता है, वो होता है स्टूडेंट OS। OS होता है, एंटीवायरस है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। OS क्या है, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होता है स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम ही होते हैं सारे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, प्रोग्राम ही है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर यूज़र है, फिर हार्डवेयर है, तो उनके बीच में जो मध्यस्थता का काम करते हैं, वो क्या होता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर हार्डवेयर को रन ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या यूज़ है उसका? कोई यूजेज नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि दक्षता, यानी कि इफ़िशेंटली एंड सिंप्लीफाइज, सरलता के साथ सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। यानी कि समझ में आ रहा होगा आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है। रहता कहाँ पर ये, किसके बीच में इंटरफेस करता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, और सारे एप्लीकेशन को मैनेज यानी कि प्रबंध करने का काम करता है। यूज़र प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इसके साथ में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट यानी कि निष्पादित करता है, आसानी से उनको जो भी प्रॉब्लम होता है कंप्यूटर की उसको सॉल्व करता है। जैसे रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग है, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है, ये सब मैनेजमेंट का जो काम होता है ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की और भी कार्य बताए गए हैं कि चलाने का। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करता है, नियंत्रण मैनेजमेंट करता है कंप्यूटिंग, किसको? कंप्यूटिंग डिवाइस। और कोई भी डिवाइस होती है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, भाई किसी भी डिवाइस हो बिना ऑपरेटर के कोई काम नहीं कर सकता, ये तो हमें पता ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई डिवाइस ज़रूरी हैं, जैसे कि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कई डिवाइसों के लिए ज़रूरी होता है। मोबाइल के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर में भी होता है, वीडियो गेम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही चलता है, सुपर कंप्यूटर के अंदर, सबके अंदर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है कौन कौन से, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ एक्सपी है, 7 है, ये सब होते हैं, मैक ओएस है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, और मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, ये सारे क्या है? देखिए सिस्टम का एंड्रॉयड भी है, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो यहाँ पर यूज़र है, यहाँ पर हार्डवेयर है, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर को रन करने के लिए अब यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटर की जो लेयर होती हैं वो तीन परतें होती हैं। सबसे पहले हार्डवेयर, तो यानी कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। अब हार्डवेयर में हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 2 में, सीपीयू है, मैन मेमोरी है, इसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? देर आर टू टाइप्स, यानी दो प्रकार का होता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के सभी कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर क्या होता है? जैसे कि आदमी के अंदर इसका दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वैसे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो क्या होता है? प्रोसेसर होता है। अब प्रोसेसर को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। रूटीन्स, ये मेमोरी मैनेज करता है कि अपने मोबाइल में कितनी मेमोरी खाली है, कितना उसमें भर चुकी है, मेमोरी है कि नहीं है, अलर्ट करता है, कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे वर्क करता है। इसके साथ में इनपुट आउटपुट को भी कंट्रोल करता है और फाइल को मैनेज करता है। तो ये मैनेजिंग और कंट्रोलिंग का काम किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। स्टूडेंट नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूज़र की आवश्यकताओं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए। जैसे आपको कोई म्यूज़िक सुनना है, तो म्यूज़िक सुनने के लिए क्या करेंगे? हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम होता है म्यूज़िक प्लेयर। म्यूज़िक प्लेयर डाउनलोड करेंगे, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। आपको कोई वीडियो देखना है तो आप क्या करेंगे? YouTube डाउनलोड करेंगे, तो YouTube इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, कोई भी उस रिलेटेड होता है यूज़र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो किए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा तो यहाँ पे देखिए यूज़र फर्स्ट, यूज़र टू, यूज़र थ्री, यूज़र फोर, ये सारे यूज़र हैं, यानी कि काम करने वाले पर्सन हैं, पीपल्स हैं। यहाँ पे प्रोग्राम इंटरफेस हो रहा है यहाँ पे देखिए, और यूज़र क्या किसको यूज़ करते हैं? यूज़र प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं। प्रोग्राम्स कहाँ पर चलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस इंटरफेस लिखा हुआ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये लास्ट में है अपना ये डेटा टेप मेमोरी है, यानी कि हार्डवेयर है। तो यही जो इसका जो अंदर की जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो हमें दिखाया गया है। अब कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो फंक्शन होता है वो रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है स्टूडेंट?
कि देखिए जो इससे रिलेटेड कंप्यूटर्स के साथ जो जुड़ने वाली डिवाइसेज होते हैं, उसके इक्विपमेंट होते हैं, उन इक्विपमेंट को मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे कि अभी पढ़ के आए हैं कि मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसर को मैनेज करना, डिवाइस को मैनेज करना, ठीक है। ऑपरेटिंग से बेसिक कार्य करता है, जैसे कि कंट्रोल करना, मेमोरी को एलोकेट करना, किसको कितनी फाइल मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, और प्राथमिकता प्रायोरिटी। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल में आप गेम खेल रहे हो, फिर एक तरफ चैटिंग वेटिंग कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, तो उसके साथ में कोई कॉल आ जाता है, तो देखिए कॉल आया तो सारे जो सिस्टम वो बंद हो जाते हैं और कॉल की रिंग बजती रहती है। इसका मतलब क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना एंड्रॉयड, वो क्या करता है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, किसको रखता है? कॉल को रखता है, तो कॉल आ जाती है। वैसे ही कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में मान लीजिए ये काम हो रहा है, इसके साथ में कुछ और, इसमें कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ अलर्ट आ जाए, तो वो काम पहले आएगा और जो मैं काम कर रहा हूँ ये बाद में होगा। तो इस तरीके का जो मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा, इसके साथ में ये सॉफ्टवेयर की शेयरिंग करता है। मीन्स मान लीजिए एक ऐप है, आपने एक ऐप परचेज किया और उसी ऐप को आप 10 कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको शेयरिंग करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसके साथ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल और बहुमुखी बनाना, प्रोग्रामों के बीच सुरक्षा, अगर आप एक डेटा दूसरे डेटा में भेज रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए, तो सिक्योरिटी कौन प्रदान करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। एरर को ढूंढना, यानी कंप्यूटर में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, एरर्स आ जाती हैं, तो उनको ढूंढना, फॉल्ट को कम करना, रिकॉन्फिगर करना, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जब कभी मोबाइल को रीसेट करते हैं और करते हैं, ये सारे काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ में है एप्लीकेशन और यूज़र के बीच में, तो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। प्रोग्राम क्रियान्वयन और सारे प्रोग्रामों को क्रियान्वयन करना, उसको रन करना, उनको मैनेज करना, मशीन हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। तो ये इसके जो मेन जो वर्क थे वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद में बात करते हैं त्वरित समीक्षा, यानी कि शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए, इन क्वेश्चन को करके आपको मेरे को भेजना है, ठीक है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसके बाद का टॉपिक है, GUI। अब ये ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। देखिए ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस ये है कि देखिए आज जो वर्तमान के कंप्यूटर हैं, वर्तमान समय के कंप्यूटर हैं, उन कंप्यूटरों में हमें क्या करना पड़ता है, इतना इजी हो गए हैं, कोई बच्चा भी उनको चला सकता है, ठीक है। मोबाइल को कोई बच्चा भी यूज़ कर सकता है, इजीली यूज़ कर सकता है। क्यों? उसमें क्या होता है, ना तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत, क्या होता है, कुछ आइकन्स बने होते हैं, चित्र बने होते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको जो डेस्कटॉप जो नज़र आ रहा है, स्क्रीन नज़र आ रही है, उस पर देखिए रिसाइकल बिन, यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, ऐसे कोई गेम का कोई चित्र बना दिया गेम के, तो उस पर डबल क्लिक करेगा बच्चा और उसको ओपन कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए स्कैन कर रहा है, कुछ तो लिखा होता है और कुछ इनकी जो आकृति है उससे हमें पता चल जाता है यूज़ करने पर कि ये जो ऐप है ये क्या काम आने वाला है। तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ चित्रों को देखो और हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है चित्र का मतलब, जो चित्र यानी ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स को यूज़ करो और हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। देखो कितना इजी हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखिए, यही मैं आपको बताना चाहता, ये है आपका ग्राफिक्स यानी चित्रों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं, उनके साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इट मीन्स ये क्या हो गया, GUI, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, यानी ग्राफिक्स यानी कि चित्रों के साथ में मिलकर हम यूज़र क्या कर रहा है, इंटरफेस का काम कर रहा है। तो इसका नाम होता है ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। ये तो वर्तमान टाइम के जो अब कंप्यूटर हैं उनके अंदर ये सुविधा है, और इससे पहले के जो कंप्यूटर थे स्टूडेंट वो थे CUI, यानी कि कमांड बेस्ड, यानी कि CUI का मतलब करेक्टर यूज़र इंटरफेस्ड, ठीक है। तो करेक्टर बेस्ड इंटरफेस और ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, तो इन दोनों में हम अभी एक
छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखो CUI का मतलब होता है करेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी अक्षरों का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना। बट आज के जो कंप्यूटर हैं वो छोटे छोटे चित्र बना दिए, आइकन बना दिए, उन आइकन पे हमें क्लिक करना होता है और कंप्यूटर वर्क करने लगता है। अब देखो माउस का ये पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर भी क्या है, एक चित्र ही तो है, तो ये क्या हुआ, एक ग्राफिक्स हुआ, और ग्राफिक्स के साथ में हम यूज़र इंटरफेस कर सकते हैं। यूज़र यानी कि हम, यूज़र उपयोगकर्ता इंटरफेस कर सकता है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या विभिन्नता है। देखो पहले के टाइम के जो कंप्यूटर थे उनमें CUI कमांड लाइन यानी कमांड बेस ही चलता था, यानी कि करेक्टर यूज़र इंटरफेस ही चलता था। तो स्टूडेंट अभी मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक कमांड लगाता हूँ मैं नीचे रन पर CMD, तो यहाँ पर आया कमांड प्रोमोट, ठीक है, कमांड प्रोमोट प्रोम्प्ट आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं साइड में रख देता हूँ। अब देखिए ये जो स्क्रीन है ब्लैक एंड वाइट, इसमें आप माउस का भी यूज़ नहीं कर सकते। माउस का यूज़ तो तब करेंगे ना इसमें कोई चित्र होगा, इसमें तो कोई चित्र ही नहीं, सिर्फ आप लिख ही तो सकते हैं। बस इसको क्लिक करने से क्या हुआ, मतलब जैसे इसको नहीं लिखेंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा। बट यहाँ पर दूसरी साइड में मैं डी ड्राइव ओपन कर लेता हूँ, ये डी ड्राइव ओपन की मैंने, इसमें देखिए खूब सारे चित्र आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं। अगर मेरे को किसी आइकन को ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर अगर मैं ये जो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है, तो ये तो क्या है स्टूडेंट, करेक्टर यूज़र इंटरफेस, और ये जिसमें चित्र बने हुए हैं, आइकन बने हुए हैं, फ़ोटो बनी हुई है, ये है आपकी ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। तो देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस पर काम करके बताता हूँ। यहाँ कुछ आइकन मैंने यहाँ पे बना रखे हैं फोल्डर, इन फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पर क्या थोड़ी सी खाली जगह मिल गई, और राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और फोल्डर बना देता हूँ। देखो फोल्डर बन गया, यानी कि मेरे को फोल्डर बनाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ राइट क्लिक किया और न्यू पे गया और फोल्डर बन गया। तो एक फोल्डर इसका नाम मैं दे देता हूँ, फोल्डर का रीनेम कर देता हूँ फोल्डर 3 को। राइट क्लिक करने के बाद में सारा काम माउस से किया जा रहा है, बस लिखने का काम है वो तो कीबोर्ड से होगा। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ XYZ। तो देखिए स्टूडेंट ये XYZ क्या है, एक फोल्डर है, मैंने फोल्डर बना दिया। किसका यूज़ किया, ज़्यादातर माउस का यूज़ किया, बस नाम लिखने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया है। बट यहाँ पर करेक्टर यूज़र इंटरफेस में मैं किसका यूज़ करूँगा, माउस का, माउस का तो हो ही नहीं सकता इसमें, माउस को क्लिक कहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है करेक्टर यूजर इंटरफेस में, कमांड प्रॉम्प्ट में CUSER RSCIT, यानी कि सी ड्राइव के अंदर मैं अभी हूँ। और इधर जो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है, यहाँ पर दिस PC और डी के अंदर, तो ये काम कहाँ पे हो रहा है, डी ड्राइव के अंदर, और यहाँ किस में, SUI में, सी के अंदर। तो सी से हम डी के अंदर चलते हैं, तो डी लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे, तो डी कॉलन लगाया, तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पे एंटर किया, तो डी ड्राइव के अंदर आ गया मैं। देखिए अब यहाँ पे डी पे ये डी प्रॉम्प्ट आ गया, पहले सी प्रॉम्प्ट था, यानी एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में गया। अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखिए स्टूडेंट अगर देखिए यहाँ पे सी है, डी है, ई है, तो इस पर क्लिक ही करना होगा तो सी ओपन हो गई, डी पे क्लिक करना होगा तो डी ओपन हो गई, डी के अंदर जो भी फोल्डर्स और फाइल थी वो मेरे को दिखाई देने लग गई। बट यहाँ पर मैं, मेरे को लिखना पड़ेगा कि सी में जाना है या फिर डी में जाना है, क्योंकि करेक्टर यूजर इंटरफेस है। तो अगर मैं डी में देखना चाहता हूँ कि क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ DIR। तो जैसे ही मैंने डायरेक्टरी यानी कि DIR लगाया, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर मेरे को नज़र आने लग गए, वही फोल्डर नज़र आने लग गए जो कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी मैंने डी को ओपन कर लिया और इसमें ऑलरेडी डी ओपन थी, देखिए, ठीक है, और ये डायरेक्टरी डी है, ठीक है। अब देखिए करेक्टर यूज़र इंटरफेस में जो पहला ये तो देखो हाइड है, फिर दूसरा जो ये है ना एडोब फोटोशॉप, तो इधर भी आपको मिलेगा एडोब फोटोशॉप, ठीक है, दोनों जगह मिल रहा है ना, यानी कि इसके अंदर जो फाइल थी, अभी मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, देखो XYZ ये रहा लास्ट में, और इसमें भी XYZ है, यानी कि दोनों ही मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक फोल्डर और बनाता हूँ, तो क्या करना पड़ा, माउस से मैं इजिली कोई ना एक फोल्डर बना सकता हूँ XYZ और 1, क्योंकि XYZ तो पहले से बना हुआ है, तो XYZ
वन नाम से मैंने एक फ़ोल्डर और बना लिया। तो जैसे ही मैं इसमें फ़ोल्डर बनाता हूँ तो दोबारा सर्च करके देखता हूँ कि पहले वाला नहीं दिखेगा, DIR। अब देखिए, वापस देखिए, DXYZ और XYZ1 नाम से एक फ़ोल्डर बन गया। अगर मैं करेक्टर यूज़र इंटरफेस में कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, देखो मैंने ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस यानी यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर बनाया तो यहाँ पर नज़र आ गया, तो क्या मैं यहाँ भी फोल्डर बना सकता हूँ जो यहाँ दिखेगा? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों एक ही तो ड्राइव है, एक ही तो चीज़ है, बस इंटरफेस अलग अलग है। तो चलो करते हैं। यहाँ पर जब फोल्डर बनाया ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस में तो मैंने माउस का यूज़ किया, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड का, तो मैं लिखूँगा MDXYZ2, क्योंकि XYZ1 और XYZ तो बन चुका, तो यहाँ पे बना, तो MD का मतलब होता है मैक डायरेक्ट्री। यहाँ पर हम इनको बोलते हैं फोल्डर और यहाँ बोलते हैं इनको डायरेक्ट्री। तो ये डायरेक्ट्री हमने क्रिएट कर दी XYZ2। चलो यहाँ पर देखते हैं बना क्या। देखो ये नीचे बन चुका है एक फोल्डर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले के टाइम में क्या होता था, ये जो माउस है, कोई भी फ़ोटो वगैरह है, ये कंप्यूटर में नहीं होती थी, सिर्फ इसमें करेक्टर्स और नंबर्स यही होते थे, यानी कि अक्सर ही होते थे, इसके अलावा टेक्स्ट के अलावा इसमें नहीं होती थी। आजकल जो वर्तमान में सब फ़ोटो के ज़रिए ही काम होता है। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं वापस अपने बुक की तरफ, और बुक में मैंने आपको बता दिया है कि CUI और GUI में क्या डिफरेंस है। अब देखो GUI आने के बाद में, यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस आने के बाद में क्या क्या कार्यों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है, जैसे WYSIWYG, वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट, यानी स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज आपको पेपर पर प्रदर्शित होने वाली इमेज से हूबहू मिलनी चाहिए। यानी कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये कुछ आइकन यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, और ये जो आइकन बने हुए, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये रिसाइकल बिन है। अब रिसाइकल बिन अगर बाहर हम देखते हैं कंप्यूटर के बाहर, यानी कि ओरिजिनल देखते हैं, तो भी इसी तरह का डब्बा नज़र आता है, यानी कि वो जो चित्र और वो इस चित्र से मिल रहा है, तो यूज़र को काम करने में आसानी हो जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होगा, पता चल जाएगा कि ये रिसाइकल बिन है या फिर ये माई कंप्यूटर है, ये अपना फोल्डर है। इस तरीके से सारे इमेज हूबहू मिलती रहेंगे। इमेज स्कैनिंग, जैसे ही देखो GUI आया, यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस आया, तो इमेज को स्कैन कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, और कोई भी फ़ोटो हम इस कंप्यूटर में इमेज को स्कैन करके उसमें रख सकते हैं। पहले सिस्टम नहीं था फ़ोटो वाला, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट था, सिर्फ करेक्टर ही थे, यानी कि उसमें टेक्स्ट ही थे, टेक्स्ट के अलावा कुछ नहीं था। आजकल हम फ़ोटो को स्कैन कर सकते हैं। प्रोसेबल ग्राफिक्स होता है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स का मतलब फ़ोटोशॉप वगैरह का, जैसे आपको पता ही है फ़ोटोशॉप का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो अपनी फ़ोटो होती है उनको एडिट कर लेते हैं और एक सुंदर सी फ़ोटो बना सकते हैं, जैसे कि शादी है, शादी का प्रोग्राम की वीडियो वगैरह बनती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह बनती हैं, वो सारे इसी फ़ोटोशॉप के सॉफ्टवेयर से बनाई जाती हैं। एक है एनिमेशंस और मल्टीमीडिया सपोर्ट, जैसे कि GUI आया, ये टेक्नोलॉजी आई, इसके बाद एनिमेशंस यानी कि जो कार्टून टाइप की फिल्म होती हैं वो आ गई, और कियोस्क, सूचना कियोस्क, सभी प्रकार के एप्लीकेशन का इसका उपयोग करता है। दिव्यांग लोग यानी फिजिकली हैंडीकैप्टेड, जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ऐसे लोग जो मतलब अंधे हैं या फिर उसकी आँख कमज़ोर हैं, सुनना ही कम देता है, वो लोग भी ईजिली कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, उनके लिए इस टाइप के ग्राफिक्स बना दिए गए हैं, जैसे वो टच करके भी कर सकते हैं, अगर दिखाई नहीं देता तो, अगर सुनता नहीं है, कम सुनता है, या फिर अंधों को उस तरह के महसूस करने वाला सिस्टम बना दिया, ठीक है, तो या फिर उनको सुनने वाला बना दिया, तो सुन के भी वो कर सकता है, बोल के वो टाइप भी कर सकता है। तो ये सारे सिस्टम कब संभव हो पाए, जब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आया, यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, जब कंप्यूटर में फ़ोटो और चित्रों का यूज़ होने लग गया, उसके बाद में ये सारे काम संभव होने लग गए। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो अभी आपके सामने जो नज़र आ रहा है, ये जो है, ये है आपका GUI का, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर भी पूछ सकते हैं कि भाई ऐसे आपको कि कोई भी एक ये जो से आपको सामने दिखाई दे रहा है कंप्यूटर का डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, तो इस तरीके का कोई भी एक चित्र आपको देखकर ये पूछते हैं कि भाई ये किसका एग्जांपल है, तो आपका आंसर होना चाहिए GUI यानी ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस का
एग्जाम्पल है, ये इसका आंसर है। अगर CVI होता तो अभी मैंने आपको बताया ये इस तरीके का CVI करेक्टर यूज़र इंटरफेस। अब देखो GUI के लाभ, अभी हम बात करके आए इसके क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें, इसके साथ में इसके लाभ भी क्या क्या हैं। देखिए किसी भी समस्या को ऑपरेट कर सकते हैं, सीखने में कम समय लगता है और उसे बॉक्स करके ओपन करके किट को जोड़ने के शुरू करने में समर्थन समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता। जैसे लिख के आप कोई काम करेंगे, भाई मेरे को डी ड्राइव में ओपन करना है या फिर नया फोल्डर बनाना है, तो वो समय आपका बचेगा। प्रॉम्प्ट्स, अलर्ट, मूवमेंट, यानी कि माउस है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक किया अपना काम हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और GUI में जो गलतियाँ हैं आसानी से हम उनको पकड़ सकते हैं, भाई ये प्रॉब्लम है, अगर उसमें अक्षरों में क्या पता लगेगा कहाँ पर हमने गलती की है, ठीक है। तो इस तरीके के जो आइकन है, फ़ोटो वगैरह की, इनकी सुविधा आप थोड़ा सा इनको पढ़ के देख लेना। तो ये इसके लाभ हैं और इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। एक हानि तो ये है कि ऐसे कंप्यूटर जो ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, फ़ोटो वगैरह का यूज़ करते हैं जिसमें ये ग्राफिक्स होते हैं, तो उनके अंदर क्या, उसका जो प्रोसेसर है वो बड़ा हाई स्पीड का चाहिए, उसकी मेमोरी क्या होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए। और अगर करेक्टर यूजर इंटरफेस का जो कंप्यूटर है उनमें कम स्पीड वाले प्रोसेसर और मेमोरी भी यूज़ किए जा सकते हैं, बट इनके लिए क्या चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग हाई प्रोसेसिंग होती है तो हाई प्रोसेसर ही यूज़ करना पड़ता है, तो वो महंगा आएगा। इनका मतलब वो थोड़ा सा उसकी हानि के अंदर बता दिया, ठीक है। इसके बाद में देखिए विंडो, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं। विंडोज़ 10 पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है। अब बात करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी देर से कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जांपल है वो है विंडो 10। खूब सारी विंडो 10 है। विंडो 10 से पहले देखिए विंडो NT आया, विंडो 7, 8.1, ये सारे 29 जुलाई 2015 को रिलीज़ हुआ था। इसके साथ में विंडोज़ 8.1, ये स्टूडेंट आपको थ्योरी है तो थ्योरी एक बार आपको रीड कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं विंडो के, सारे एग्जांपल विंडो के हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट चल रहा है विंडो 10। अब इंटरफेस, विंडो के इंटरफेस को समझते हैं कि विंडो 10 को कैसे हम यूज़ करें, तो ये स्टूडेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना है तो मेरे को आप कमेंट ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट, गुड डे, हैव ए नाइस डे। अभी जल्दी मैं आपको नया वीडियो जो 3.1 से जो नया वीडियो वो अपलोड करूँगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।